दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमए रसोई में। आज हम लौकी की सब्जी बनाना बताएंगे, जो बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है, बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। तो मैंने जो एक आधी लौकी ले ली है, लौकी को मैंने छीलकर उसके अंदर का पल्प निकाल कर मैंने लौकी को इस तरीके से काट लिया है और 3 से 4 पानी से मैंने इसे वॉश भी कर लिया है। ये 3 ली है मैंने लाल मिर्च को खड़ी वाली और 3 बड़े टमाटर को भी इस तरीके से मैंने काट लिया है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जे सब्जी हम कुकर में बनाएंगे, कुकर को मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, तो ऑयल को हम अच्छे से कर लेंगे गर्म। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। हमें जीरा को अच्छे से चटक जाने देना है। देखिए जीरा हमारा चटक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जी 3 लाल मिर्च। लाल मिर्च को भी हम हल्का इसमें पका लेंगे हम, जीरा को भी अच्छे से हमें चटका लेना है। देखिए जीरा भी हमारा चटक चुका है अच्छे से, और जो हमने मिर्च को भी डाला था वो भी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे लौकी। लौकी को हमें डालते हुए हमें 2 से 3 मिनट लौकी को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। लौकी में हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं शुरुआत में लौकी में, ताकि वो हमारी लौकी भी अब अच्छे से फ्राई हो जाए और लौकी के अंदर तक नमक अच्छे से टेस्ट आ जाए लौकी का। और हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है लौकी को। 3 से 4 मिनट हमने लौकी को फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम सूख मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे जी हम मिर्च पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। मसाले को हम अच्छे से चला लेंगे, ताकि मसाला हमारा जो अच्छे से भुन जाए, मसाला हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए। मसाले को हमने 2 से 3 मिनट हमने चला लिया। देखिए मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे जो टमाटर, जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं, और टमाटर को हम भी चला लेंगे। अब हमें लौकी को जब तक फ्राई करना है, इस तरीके से हमें चलाते रहना जब तक हमारे ये टमाटर गल जाए। लौकी को हमने टमाटर को हमने देखिए अच्छे से गल गया है हमारा टमाटर। हमने टमाटर और लौकी को हमने 3 से 4 मिनट फिर से हमने वापस इस तरह से हमने इसे पका लिया है चलाते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। आपको जितनी ही आपको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद हो तो आप जैसी तरीके से डालें, चाहो तो आप कम भी पानी डाल सकते हो, ज़्यादा भी पानी आप डाल सकते हैं। आप इस तरीके की लौकी ज़रूर बनाएं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है। अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन। ढक्कन को लगा देंगे बंद, और 1 सीटी आने तक हम पका लेंगे। देखिए 1 सीटी आ चुकी है, तो हम गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमें कुकर के प्रेशर को हमें निकालना नहीं है, अपने आप से इसे खत्म होने देना है। बाद में मिलते हैं जब कुकर की प्रेशर खत्म हो जाएगा। देखिए कुकर का प्रेशर खत्म हो गया है। देखिए कितनी सुंदर हमारी लौकी की सब्जी दिख रही है। देखिए हमारी लौकी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हो। आप जी हमारी लौकी की सब्जी गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और रेसिपी के साथ। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ धनिया को। अब मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।